हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल गुडविल एजुकेशन पे। और आज मैं आप लोगों के सामने लाया हूँ 7 धमाकेदार टिप्स जिसकी मदद से आप शुरू से अपनी पढ़ाई में बढ़त हासिल कर सकते हो। हमेशा हम सोचते हैं कि इस बार तो मैं सब कुछ करूंगा, इस बार तो मैं झंडे गाड़ दूंगा, इस बार तो मैं बहुत अच्छे मार्क्स लेके आऊंगा, लेकिन लास्ट तक सारा का सारा जो भी हमने प्लानिंग करा होता है वो धरा का धरा रह जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे को वो एक्सपीरियंस नहीं है कि हमारे को शुरुआत आगे कैसे बढ़ना है और कैसे बढ़ना चाहिए। तो आज अपने 7 टिप्स के अंदर मैं आप लोगों को वो सारी की सारी बातें बता दूंगा जो आप लोगों की बिगनिंग से पढ़ाई के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहली चीज, शुरू से पढ़ना आप लोगों के लिए क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर शुरू से ही आप अपनी पढ़ाई में बढ़त हासिल कर लेते हो तो लास्ट में एकदम से आपके ऊपर प्रेशर नहीं आता, एकदम से एक बहुत बड़ा बोझ आपके ऊपर नहीं आता, और उस टाइम पे आप अपने आप को ये नहीं बोलते कि हाँ काश मैं शुरू से पढ़ लिया होता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूंगा कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके की वीडियोस हम आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। और साथ के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर लीजिए, हो सकता है आप लोगों के लिए कोई जरूरी इंफॉर्मेशन आपको वहां पे मिल जाए। तो गाइस स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे नंबर 1 जो टिप मैंने यहाँ पे आपको दी है वो है टॉक विद इमीडिएट सीनियर्स। इमीडिएट सीनियर्स मतलब कि अगर आप 10th में हो तो 11th का आपका सीनियर, 11th में हो तो 12th वाला, 9th में हो तो 10th का, और ऐसे लोग तो आप लोगों की जानकारी में जरूर होंगे। ठीक है, तो आपको इमीडिएट सीनियर से बात क्यों करनी है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको उस क्लास का एक्सपीरियंस नहीं है जिसमें आप अभी आए हो, और हो सकता है कि उस क्लास में आपको कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा फ्यूचर में। और अगर आपको पहले से ही उन चीज़ों के बारे में पता होगा तो आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाला है। जस्ट इमेजिन कि अगर आपको पता है कि अगले 1 घंटे के अंदर मेरी बाइक जो है वो एक स्पीड ब्रेकर से टकराने वाली है और मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा, तो या तो आप उस रास्ते को बदल लोगे या फिर बाइक धीरे चलाओगे। इसी तरीके से अपनी अगली क्लास में जिन चैलेंजेस को आपको फेस करना होगा वो अगर आपको पता चल जाते हैं तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। और उस इमीडिएट सीनियर को इन एक्सपीरियंसेस के बारे में पता है, इन चैलेंजेस के बारे में पता है, तो उस पर्सन से बात करना है और उस क्लास का एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस उस पर्सन को बोलना है कि वो आपके साथ शेयर करे। ठीक है, दूसरा, मेक अ टाइम टेबल, मतलब आपको टाइम टेबल बनाना है। आप ये कहोगे कि सर हमने बहुत सारे टाइम टेबल्स बना के देखे, हमारे को समझ नहीं आता और कभी भी टाइम टेबल तो बिल्कुल फॉलो होता ही नहीं है। मेरा मानना ये है कि टाइम टेबल अगर आप बनाते हैं तो इससे आप लोगों के ऊपर एक जिम्मेदारी होती है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, आपको एक रियलाइजेशन होता है कि मैंने ये टाइम टेबल बनाया है अपनी स्टडी के लिए और अगर मैं इस पर नहीं पढ़ूंगा इट मींस आई एम मिसिंग समथिंग, आई एम लैकिंग समवेयर। और अगर उसी जगह पे आप टाइम टेबल बनाते ही नहीं हो तो एटलीस्ट आपको वो रियलाइजेशन भी नहीं होता, तो ये बिल्कुल गलत होगा। आपको वो रियलाइजेशन जरूर होना चाहिए। और दूसरी चीज, टाइम टेबल कैसा बनाओ ये आपके ऊपर ये बात पूरी तरीके से निर्भर करती है, क्योंकि आपको पता है कि आपका बिजी आर क्या है, आपका फ्री आर क्या है और आप किस सब्जेक्ट को कितना टाइम दे सकते हो, आपका मोस्ट ईजी सब्जेक्ट कौन सा है, मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट कौन सा है, तो ये सारी की सारी बातें आप लोग ही जानते हो। और अगर आप लोगों ने अभी तक हम लोगों की वीडियो नहीं देखी टाइम टेबल को लेके, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टाइम टेबल को लेके, हमें कैसे टाइम टेबल बनाना है उसको लेके मैंने वीडियो बनाई है, तो आप प्लीज उस वीडियो को जरूर चेक कर लीजिए और आपको टाइम टेबल के बारे में समझ में आ जाएगा और उसी टाइम टेबल के साथ आप अपनी बिगनिंग की शुरुआत कर सकते हो, इट मींस पढ़ाई में अपनी बिगनिंग की शुरुआत कर सकते हो। नेक्स्ट चीज है गाइस, स्टडी लिटिल बट डेली। कई सारे बच्चे होते हैं वो सोचते हैं कि मैंने अपने आप को एक गोल दिया और वो मेरे 2 दिन का गोल है, और वो क्या करते हैं एक दिन में उस गोल को कंप्लीट कर लेते हैं और फिर दूसरे दिन रेस्ट करना चाहते हैं, तो ऐसा आपको नहीं करना। आपको अपनी पढ़ाई में कंसिस्टेंसी लेके आनी है, एक पेस लेके आना है, और वो पेस जो है वो कभी भी डामाडोल नहीं होना चाहिए। बेशक थोड़ा आगे जाए लेकिन पीछे बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है, बेशक आप थोड़ा पढ़ लो एक दिन लेकिन आपको पढ़ना ज़रूर है। इट मीन्स आपको अपनी जो कंसिस्टेंसी है पढ़ाई के अंदर उसको बनाए रखना है जिससे आप लोगों की बढ़त बनी रहे, क्योंकि आपको ध्यान रखना है उस फाइनल रिजल्ट का, क्योंकि वो फाइनल रिजल्ट बहुत ही स्मूथ होगा अगर आप शुरुआत से पढ़ोगे, और अगर आप नहीं पढ़ोगे तो लास्ट में जाके आप पे एक बहुत बड़ा बर्डन आने वाला है, एक पहाड़ आपके ऊपर खड़ा हो जाएगा।
सो गाइज नेक्स्ट है मेक सेल्फ नोट्स। ये सेल्फ नोट्स जो मैं बता रहा हूँ ये बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने नोट्स को लेके भी एक वीडियो बना रखी है कि आप नोट्स कैसे बना सकते हो, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चाहो तो उस वीडियो को भी चेक कर सकते हो। लेकिन ये जो नोट्स हैं इनको बनाना क्यों जरूरी है मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ। इसलिए जरूरी है क्योंकि जब भी आप नोट्स की बात करते हो तो वहां पे चीजें ब्रीफ होती हैं। ऑब्वियसली जब मैं शुरुआत से पढ़ूंगा तो मैं हर एक चीज को थॉरली पढ़ूंगा, लेकिन एंड में एग्जाम टाइम पे मैं हर एक चीज को अगर थॉरली करने बैठूंगा तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा। और आप ये सोचोगे कि सर क्या हम ब्रीफ ब्रीफ पढ़ लेंगे? भाई सब कुछ तुम्हारे माइंड में ही होगा अगर तुम थॉरली पढ़ रहे हो, लेकिन अगर तुमने नोट्स बना रखे होंगे ना तो नोट्स को पढ़ते हुए आप लोग बहुत आसानी से हर एक चीज को फिर से रिकॉल कर सकते हो अपने माइंड से। अब आप कहोगे कि सर हम किसी दूसरे दोस्त के नोट्स ले लेंगे, हमारे को क्या बनाने की जरूरत है? आप ध्यान रखो उस पर्सन ने अपने माइंडसेट को लेके नोट्स बनाए हैं, उसे क्या पता है, उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, उसे क्या याद है क्या नहीं है, उसके हिसाब से नोट्स बनाए हैं। और आप लोग अपने हिसाब से नोट्स बनाओगे और जो पर्सन जिस नोट्स को बनाता है वो पर्सन उसको सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकता है। तो मैं यही कहूंगा कि आप नोट्स जरूर बनाओ। नेक्स्ट चीज है गाइस मेक शॉर्ट एंड इफेक्टिव गोल्स, मतलब आपको गोल्स भी सेट करने होंगे। जब तक आप छोटे छोटे गोल्स को सेट करके अचीव नहीं करोगे ना तो आपको बहुत ही अच्छा फील नहीं होगा। जब आपको अच्छा फील होगा तो उसके बाद आप लोग और ज़्यादा जोश के साथ अपनी पढ़ाई को करोगे। तो आप छोटे छोटे गोल्स ले सकते हो कि भाई इस हफ्ते का मेरा गोल ये है कि मुझे ये चीज़ करनी है, फिर ये टेस्ट देना है, फिर इसका जब रिजल्ट आएगा और मेरे इतने मार्क्स आएंगे तो फिर आप उसको सेलिब्रेट भी कर सकते हो। तो ये गोल सेटिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शॉर्ट गोल्स आपको रखने हैं पर इफेक्टिव गोल्स रखने हैं और उस पर पूरी जी जान लगा के मेहनत करनी है। जैसे ट्यूशन में पढ़ रहे हो तो गोल बना सकते हो कि भाई मुझे इतने मार्क्स लेके आने हैं। अगर मैं मानता हूँ कई बार गोल अचीव नहीं होता तो डिसअपॉइंटमेंट भी होती है, लेकिन उससे कहीं ना कहीं आपको एक बूस्ट भी मिलता है और आप अगले टेस्ट के लिए वर्क करते हो, ठीक है। नेक्स्ट है गाइस ओवरटेक अदर्स, मतलब अगर हम बिगिनिंग से पढ़ाई करेंगे तो ये एक तरीके से बेनिफिट है बिगिनिंग से पढ़ाई करने का, ओवरटेक अदर्स। मतलब कि अगर आप बिगिनिंग से पढ़ाई करोगे तो कहीं ना कहीं आप दूसरों को ओवरटेक कर लोगे, क्योंकि ज्यादातर लोग बिगिनिंग से पढ़ाई नहीं करते। हर एक बंदा यही सोचता है कि अभी तो मेरे पास पूरा साल है, अभी तो पूरा साल है, फिर वो ऐसे कहते रहता है अभी तो 10 महीने, फिर 9 महीने, फिर 6 महीने, फिर 7 महीने, फिर 5 महीने, फिर 4, फिर 3, 2 महीने भी उनको ज्यादा टाइम लग रहा होता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। बिगिनिंग से पढ़ोगे तो उन सब लोगों से आप काफी आगे निकल जाओगे और रिजल्ट में भी आप बहुत ज्यादा आगे निकल जाओगे और आप अपने स्कूल में, अपनी क्लास में और एक दिन पूरे के पूरे सिटी में, फिर कंट्री में भी टॉप कर सकते हो। नेक्स्ट है गाइस रिवाइज एंड टेस्ट, मतलब आपको चीजों को साथ के साथ रिवाइज भी करना है और टेस्ट भी देना है। सिर्फ ऐसा नहीं करना कि सिर्फ पढ़े जा रहे हो, क्योंकि कई बार हम पढ़ते रहते हैं लेकिन टेस्ट नहीं देते और हमें अपनी कमियों के बारे में पता नहीं चलता, जिसकी वजह से हमारी बिगिनिंग से पढ़ाई करने का भी कोई फायदा नहीं होता। तो गाइज आई होप आप लोगों को ये 7 टिप्स पसंद आई होंगी और इन 7 टिप्स के जरिए अब आप अपनी पढ़ाई बहुत ही अच्छे तरीके से करने वाले हो। और प्लीज मैं चाहूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो, क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज, ऐसी अच्छी वीडियोज हम आप लोगों के लिए लेके आते रहते हैं और कहीं ना कहीं ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होती है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको एक लिंक दिया है, अगर आप इंग्लिश अपनी स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, स्पेशली ग्रामर का पार्ट, तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, दैट इज इंग्लिश ग्रामर बाय सुमित सर, जिसका नीचे लिंक मैंने छोड़ा है, जो कि एक टेलीग्राम ग्रुप है। उस लिंक पे क्लिक करके आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो और मैं पर्सनली आप लोगों के डाउट्स वहां पे रिजॉल्व करूंगा। और हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस के लिए आप हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को भी फॉलो कर सकते हो। मेरे इंस्टाग्राम का यूजर नेम जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो जल्द से जल्द आप मेरे को फॉलो कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो एज वेल।